हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेबी डायपर्स के बारे में। बेबी डायपर एक ऐसी चीज़ है जिसने हम पेरेंट की ज़िंदगी आसान बना दी। अगर आप बच्चों के लिए डायपर यूज़ करते हो तो बच्चे की नींद अच्छी होगी, आपकी नींद अच्छी होगी, क्योंकि बच्चा बार बार यूरिन पास करने की वजह से उठेगा नहीं, बच्चे के कपड़े कम खराब होंगे, आपके कपड़े कम खराब होंगे, आपकी मैट्रेस, आपकी बेडशीट वगैरह कम खराब होंगे। अगर आप सफ़र के दौरान बच्चों के लिए डायपर यूज़ करते हो तो आपका सफ़र आसान हो जाएगा। तो इसीलिए आजकल हम पेरेंट बच्चों के लिए डायपर यूज़ करते हैं। इसके कुछ नुकसान भी है, जैसे एक तो ये कॉस्टली होता है तो हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता। जो अफोर्ड कर भी पाते हैं तो हर 3 से 4 घंटे में इसको चेंज करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा क्योंकि ये बच्चों की सॉफ्ट सेंसिटिव स्किन से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है तो कई बार उसकी वजह से बच्चे को डायपर रैश, कोई फंगल इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है। तो क्या हमें बच्चों के लिए डायपर यूज़ करना चाहिए? क्या डायपर बच्चों के लिए सेफ़ है? डॉक्टर क्या रिकमेंड करते हैं? तो इसका जवाब है कि यस, डायपर बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ होते हैं, आप ज़रूर से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एक्चुअली डायपर पहनाने की वजह से बच्चों को डायपर रैश नहीं होता है, लेकिन गलत तरीके से डायपर यूज़ करने की वजह से बच्चों को डायपर रैश हो जाता है। तो अब ये सही तरीका क्या है बच्चों के लिए डायपर यूज़ करने का, तो कुछ चीज़ों के ऊपर ज़रूर से आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हमेशा आपको अच्छी क्वालिटी के जो ब्रांडेड डायपर्स होते हैं वही बच्चों के लिए यूज़ करने चाहिए। कभी भी कोई भी लोकल मार्केट से खरीद लिया ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब ये जो अच्छा डायपर आप यूज कर रहे हो वो भी आपको 3 से 4 घंटे में चेंज करना है। 4 घंटे से पहले उसको हटा देना है, दूसरा पहनाना है। और अगर आपने अभी अभी बच्चे को डायपर पहनाया, बच्चे ने उसके अंदर पॉटी कर दिया है, तो इमीडिएटली आपको उसको हटा देना है। 3-4 घंटे का वेट भी नहीं करना है, उस एरिया को अच्छे से साफ करना है, फिर आपको दूसरा पहनाना है। रात के समय आप इमीडिएटली दूसरा डायपर बच्चे को पहना सकते हो, लेकिन दिन के समय अगर आपके पास टाइम है तो 2 डायपर के बीच में 10-15 मिनट का गैप ज़रूर से रखें। 10-15 मिनट वो एरिया खुला छोड़ दे, हवा लगने दे, उस एरिया को ऑक्सीजन मिलेगा, हवा मिलेगा, तो बच्चे को रैश होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। उस दरमियान आप बच्चे को कॉटन की पैंटी या लंगोट वगैरह पहना सकते हो। तो 10-15 मिनट का गैप ज़रूर से दे। और डायपर चेंज करते समय भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे एक डायपर आपने हटा दिया, फिर आपको उस जगह को अच्छे से साफ करना है। जैसे अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तब तो आप बेबी वाइप्स का यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप घर पर हो तो बेटर रहेगा कि कॉटन के कपड़े से या फिर मलमल का जो कपड़ा होता है उसको आप वार्म वाटर में डिप करके उस एरिया को अच्छे से क्लीन करें, उसके बाद उसको ड्राई कर दीजिए और थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दें। फिर आपको थोड़े टाइम के बाद दूसरा डायपर बच्चे को पहनाना है, और वो डायपर पहनाने से पहले भी उस जगह पर आपको डायपर रैश क्रीम लगाना है। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि डायपर रैश क्रीम आपको तब यूज़ करना है जब बच्चे को रैश हो जाए, ऐसा नहीं है। जब भी आपको बच्चे को डायपर पहनाना है उससे पहले अगर आप डायपर रैश क्रीम का यूज़ करेंगे तो बच्चे को रैश होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। तो डायपर रैश क्रीम आप ज़रूर से यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो। मॉइस्चराइज़र भी अगर आप नहीं लगाना चाहते हो तो बेस्ट है कि आप नारियल का तेल यूज़ करो। नारियल का जो तेल होता है कोकोनट ऑयल, वो बहुत अच्छा होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। तो बच्चों में जो रैश होने के चांसेस है या फिर जो दाने निकल आते हैं, स्किन खराब हो जाती है, वो सारी चीजें नहीं होती है। तो कोकोनट ऑयल आप लगा सकते हो, और बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, चिपचिप नहीं करना है, लेकिन जिस तरीके से हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं उस तरीके से थोड़ा सा नारियल तेल लगा लीजिए, और अच्छी तरीके से पूरे मतलब बच्चे के जो बम वाले एरिया है वहाँ पर भी अच्छी तरीके से, जहाँ डायपर बच्चे को पहनाया जाता है वहाँ कोकोनट ऑयल लगा दीजिए, और फिर आपको बच्चे को दूसरा डायपर पहनाना है। डायपर बच्चों की एज के हिसाब से, बच्चों की वेट के हिसाब से आपको खरीदना चाहिए। कभी भी आपको ज़्यादा टाइट या ज़्यादा लूज डायपर बच्चे को नहीं पहनाना है। अगर आप ज़्यादा टाइट डायपर बच्चे को पहनाएंगे तो बच्चा अनकंफर्टेबल रहेगा, बच्चा रोएगा ज़्यादा और उसको रैश भी हो सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लूज डायपर बच्चे को पहनाएंगे तो वो लीकेज करेगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा बच्चों की वेट के हिसाब से जो करेक्ट डायपर होता है वही आपको यूज़ करना है। तो इन चीज़ों का ध्यान आपको हमेशा रखना है। 24 आवर भी आप अपने बच्चे के लिए डायपर यूज़ कर सकते हैं। इवन न्यूबॉर्न बेबी अगर आपका है तभी से आप अपने बच्चे के लिए डायपर यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बच्चों को रैश होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि बच्चे को रैश हो रहा है, वो स्किन इरिटेट हो रही है या दाने निकल आ रहे हैं, तो कुछ दिनों के लिए आप डायपर पहनाना अवॉइड करें। जितना हो सके उस एरिया को खुला छोड़ दे, हवा लगने दे, कोकोनट ऑयल लगाते रहे, कॉटन की पैंटी या लंगोट पहनाए। कुछ दिनों के बाद जब वो ठीक हो जाएगा तो फिर से आप डायपर बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हो।
सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूर से यूजफुल रही होगी। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों से ही रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो या और कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख सकते हो। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।